अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है सब खैरियत से होंगे ठीक होंगे यहाँ पे हमारी हो चुकी है सुबह हाशियर जो है यहाँ पे हमारे रूम की विंडो में आके खड़ा हो गया है और बाहर देख रहा है और उसी वक्त हमारी आंख जो है वो खुल चुकी है तो हम नीचे आ चुके हैं विंडोज़ ओपन की है और बाहर देखा बहुत प्यारी धूप निकली हुई थी टेम्परेचर बिल्कुल वैसे ही है कोई उसमें ख़ासा डिफरेंस नहीं है तो काफ़ी सर्दी थी बाहर तो यहाँ पे जो है इनका क्विक ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ इनका दिल होता है कि हमें या तो चॉकलेट नटेला ब्रेड बना दें और या फिर कोई इजी सा सीरियल जो है वो बना दें तो मैंने पूछा तो इन्होंने खाना था नटेला ब्रेड तो यहाँ इनका नाश्ता बना रही हूँ और साथ साथ मैं जो है बाकी काम देख रही हूँ विंडोज़ के करटनस उनके ब्लाइंड्स ओपन होने वाले थे वो मैंने सबसे पहले आके किए हैं और जो है पूरी रोशनी घर के अंदर आ चुकी थी हमारा घर इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि इस चारों तरफ उसके जो है विंडोज़ हैं लगे हुए जैसे ही ओपन करते हैं पूरी रोशनी जो है पूरे घर में आती है पूरा घर रोशन हो जाता है तो सर्दियों में भी कभी हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि डाक डाक लगे क्योंकि रोशनी जो है जो भी थोड़ी बहुत होती है वो घर में आती है तो यहाँ पर जो है बच्चों का बन चुका है नाश्ता और आ, मैं जो है साथ साथ बाकी के काम देख रही हूँ तो नोटेला ब्रेड बहुत इजी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और मेरी कोशिश होती है कि इसके साथ बच्चों को कोई फ्रूट्स वग़ैरह दे दूँ साथ मिल्क दे दूँ ताकि हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाए तो यहाँ नाश्ता रेडी हो चुका है no, अच्छा तो बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद मैं आ चुकी हूँ वैक्यूम करने के लिए तो यहाँ पे जो है जो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो मुझे गंद नजर आया है मैंने सोचा जल्दी से वैक्यूम कर दूँ या इस साइड पे मैं ज़्यादा बच्चों को नहीं आने देती ताकि अगर अचानक से गेस्ट आ जाएं तो वो जो है फिर क्लिन रहे और वैसे भी जो है घर का एक रूम ऐसा होना चाहिए कि जो हर वक्त आपका साफ सुथरा लगे तो मेरा यही दिल करता है कि मेरा जो है ना कुछ रूम्स ऐसे हों जो हर वक्त साफ़ नज़र आए बच्चे एक साइड पे बैठ के जितना मर्ज़ी प्ले कर लें तो उनके लिए मैंने एक रूम जो है साइड पे किचन के साइड पे रखा हुआ है जहाँ पे वो अपना टॉयज़ के साथ खेलते हैं टीवी देखते हैं और बाकी सारी एक्टिविटीज़ वो वहीं पर करते हैं तो बाकी घर सारा तकरीबन साफ़ रहता है तो नीचे से वाक्यम करने के बाद मैं ऊपर आई जल्दी से इनके बेड्स ठीक किए और रूम जो है वो सारा उसको वापस अपने ऑर्डर में लेके आई क्योंकि जब आप पूरे दिन जो है ना इस तरह घर को साफ़ कर देते हैं तो जब भी आप ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं तो वो आपको एक एहसास होता है कि घर साफ़ सुथरा है और आप रिलैक्स फील करते हैं मैं तो ऐसा ही फील करती हूँ आप लोग भी प्लीज़ बताइएगा क्या आप लोग भी ऐसे ही सुबह सुबह सारे काम जो है वो कर लेते हैं और आज वैसे भी ये वो दिन है जिस दिन हमारे घर में आ रहे थे गेस्ट्स तो मैंने सोचा चले सब कुछ नाइस से नीट हो जाए ताकि गेस्ट्स घर में आए तो पूरा घर साफ़ सुथरा हो तो यहाँ पे मैंने बच्चों का जो है बेडरूम वो बनाया है और जो है अपना रूम बनाया है और फिर उसके बाद जो है बाकी के कुछ काम थे जो बाहर भी जाना था मेरे आज अपॉइंटमेंट भी थी तो वो सारे काम भी बाकी थे तो मैंने सोचा गेस्ट्स के आने से पहले पहले ये सारे काम जो है हो जाए अफतारी वो थी जो मुझे नहीं बनानी थी क्योंकि आज हम जो है गेस्ट्स के साथ बाहर जा रहे थे उनको बाहर जो है अफतार पार्टी करवा रहे थे तो फिर सोचा कि नहीं हम जो है घर में कुछ नहीं बनाएंगे तो ये शाम अपनी मस्तियाँ कर रहा था और फिर साथ ही जो है ऊपर से जितनी लॉन्ड्री पड़ी थी वो सारी लॉन्ड्री मैं नीचे लेके आई वॉशिंग मशीन में डाली और अभी थोड़ी इसके अंदर स्पेस थी तो मैंने सोचा चले कुछ और आ, डालने वाला हुआ तो डाल के से मैं ऑन कर दूँगी रात को मैं ज़्यादातर रात को जो है लॉन्ड्री ऑन करती हूँ मैं वाशिंग मशीन वगैरह अच्छा तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक बहुत अच्छा सुपर मार्केट है सेंसबरी के नाम से वहाँ पे हम आए वहाँ से हमने ग्रॉसरीज़ की हमने यहाँ से क्रिस्प बच्चों की कुछ चीज़ें लेने वाली थी वो ली और जो है गेस्ट जाहिर सी बात है आ रहे थे तो हमने सोचा कि उनके लिए भी कुछ वापसी पे हमारी तरफ आ रहे थे तो कुछ टी के लिए ए, लेती जाऊँ तो वहाँ से आने के बाद जो है मेरे पास कुछ अभी टाइम थोड़ा बहुत था तो मैंने सोचा कि बच्चों को चलें आउटिंग हो जाएगी तो यहाँ पे वॉक भी हो जाएगी फ्रेश एयर भी मिल जाएगी इससे पहले कि हम डॉक्टर की सर्जरी में जाते तो यहाँ बच्चों ने काफ़ी जो है घूमा फिरा भागे दौड़े अपनी थोड़ी सी एनर्जी जो उनके अंदर थी वो थोड़ी वेस्ट की और जो है मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा फ्रेश एयर लेके काफ़ी सर्दी थी लेकिन इसके बावजूद जो है हमें काफ़ी अच्छा लगा बाहर बैठ के तो सर्जरी बिल्कुल इसके साथ ही थी तो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं था टाइमिंग का तो यहीं से हम उठ के जल्दी से सर्जरी चले गए यहाँ पे आ गए हैं हम अपनी डॉक्टर्स की सर्जरी में जो कि मुझे लग रहे हैं बी ट्वेल्व इंजेक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और लगवाने के बाद हम घर आए और ये मैं लेके आई थी आ, सिलाई वाली मशीन तो यहाँ मैंने उसको ओपन किया उसको देखा बहुत खूबसूरत थी माशाल्लाह से और आप जो है मुझे सिलाई करनी तो नहीं आती लेकिन मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो मेरा बहुत दिल करता है पहले मैं अपनी अम्मी की इस्तेमाल करती थी लेकिन क्योंकि वो डिफरेंट टाउन में होते हैं तो उन्हें अक्सर ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर लेके जाते हैं तो मैंने सोचा अब मैं अपनी खरीद लेती हूँ ताकि मुझे जब मेरा दिल करे मैं कुछ ना कुछ कर सकूँ तो आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी मैं इसके साथ क्या करूँगी क्या न्यू प्रोजेक्ट हम करेंगे मैं क्या सीखूँगी मुझे डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स जो है लर्न करना बहुत अच्छा लगता है आप भी प्लीज़ बताइएगा कौन कौन ऐसे हैं जिन्हें आराम नहीं आता वो हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं तो मैं भी एक ऐसी ही हूँ यहाँ पे मैं बहुत टायर्ड हो गई थी और मैंने सोचा मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के नैप ले लेती हूँ सॉरी लेट के नैप ले लेती हूँ बैठ के तो ले नहीं सकते तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर लेट गई आराम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है पूरे दिन की थकन जो है वो आपकी दूर हो जाती है और आप एकदम से फिर से फ्रेश हो जाते हैं यहाँ पर आगे हम इस रेस्टोरेंट के अंदर ये है नवाब रेस्टोरेंट इन्होंने ने नेम चेंज कर दिया है अब मर्जी बहुत अच्छा बफेद स्टाइल में ये रेस्टोरेंट है इतने डिशेस होते हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते और ना ही खा सकते हैं तो इसका जो लुक है जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो भी बहुत खूबसूरत है और इसके खाने तो लाजवाब हैं बहुत ही मज़े के हैं यहाँ पे सैलड बार और आप आप काउंट करते जाइएगा कि ये कितने डिशेस हैं क्योंकि मेरे से तो ये काउंट नहीं हुए क्योंकि मेरे पास बच्चे भी थे तो जो है उन्हें भी देख रही थी साथ, साथ तो मैं आपको ये काउंट करके नहीं बता सकती पहले भी हम यहाँ पे आते हैं बहुत इन्जॉय करते हैं ये हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है बच्चे जो है सिर्फ डिज़र्ट्स के लिए यहाँ पे आते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है डिज़र्ट्स खाना आइसक्रीम खाना चॉकलेट्स चॉकलेट केक्स होते हैं इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो फोर ईयर से अबव बच्चे जो हैं वो उनका पे करना पड़ता है और अंडर फोर जो है फ्री होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव है छोटे बच्चे कितना सा खाते हैं वो तो सिर्फ़ वही फ़्राइज़ खा लेते हैं या कबाब खा लिया और डिज़र्ट वाली साइड पे वो जाते हैं वरना कुछ भी नहीं खाते तो यहाँ पे मैं आपको भी दिखाती हूँ ये क्या क्या इनके पास आ, मेन्यू में है बहुत सारी डिशेस ऐसे भी हैं जिनके मुझे भी नाम नहीं पता नीचे लिखे हुए थे तो सॉरी मैं आपको नहीं दिखा पाई काफ़ी इनके अंदर वे, नॉन वेज भी था वेज भी था हर तरह के डिशेस जो हैं इनके पास अवेलेबल थे तो इसके पीछे जो है नेक्स्ट टाइम मैं गई तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। जो शेफ़ हैं वो सामने ही ओपन प्लान है तो सब कुछ नज़र आ रहा होता है अगर आपने तवा फिश खानी है या स्टेक्स खाने हैं तो वो गर्मा गर्म आपके सामने रेडी करके आपको सर्व करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए डिज़र्ट सेक्शन आ गया और बहुत ही मज़े मज़े के आइसक्रीम्स डिफरेंट फ्लेवर्ड और इसके साथ साथ अपने जो हमारे डिज़र्ट्स हैं जैसे खीर है शेर कौरमा है और इस तरह के सब सारे जो है डिज़र्ट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं अच्छा तो ये देखें यहाँ पे अफ्तार के टाइम पे बहुत रश हो चुका था वहाँ से हमने खा के जब वापस आए तो वो जो हमारे गेस्ट आए हैं जो आंटी आए हैं वो पाकिस्तान से आए हैं तो बच्चों की दादों ने हमारे लिए जो ईदी भेजी है ये वो हम देख रहे थे तो यहाँ पे बच्चों की चीज़ें भी आई हैं उनके शूज़ आए हैं कोलापुरी शूज़ भी थे साथ में मेरे ड्रेसेस भी थे रानिया का ईद का ड्रेस था तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि जो हमने ईद पे पहना ये रानिया का ड्रेस है बहुत खूबसूरत ड्रेस है माशाल्लाह बहुत प्यारा ड्रेस भेजा है उन्होंने ये बच्चों के वेस्ट कोट्स थे और साथ में मेरे कपड़े थे तो ये मेरे कपड़े आंटी ने जो भेजे हैं बहुत प्यारे हैं बहुत प्यारे कलर्स हैं बहुत प्यारा मटेरियल भी है वरीजे से ले के जो है आंटी ने भेजे हैं तो मुझे बहुत पसंद आए हैं तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ अगर आपने लाइक की हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो है मिलती रहे हाफिज़